दावों को लेकर विपक्ष को एकजुट करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, भले ही जेडीयू नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं मानती, भले ही कई बड़े नेता कांग्रेस से गठबंधन को तैयार नहीं, भले ही राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर संशय बरकरार हो, पर कांग्रेस ने उम्मीदें नहीं छोड़ी है और पार्टी की ये पूरी कोशिश है कि विपक्ष एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़े, लोकसभा चुनावों में उतरे, ताकि भाजपा की जीत की हैट्रिक पर ब्रेक लग जाए। इसी कड़ी में देश के तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए अब खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा के विरोध में खड़ी राजनीतिक पार्टियों को सर्वमान्य नेता से बातचीत की है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस बार विपक्षी एकता की मुहिम को बल दिया गया है। स्थिति यह है कि देश के तमाम विपक्षी दल के नेता इसको लेकर मीटिंग भी कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर सम्मेलन भी आयोजित करवाया जा रहा है। इस बीच अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की है। खड़गे ने इन लोगों से विपक्षी एकजुटता को लेकर बातचीत की है और आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा किया है। इस दौरान ऐसी खबरें मिल रही हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष को सभी लोगों से पॉजिटिव फीडबैक मिला है, मतलब अच्छा फीडबैक मिला, जैसा वो चाह रहे वैसा। बता दें कि करीब डेढ़ महीने पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि 2024 में कांग्रेस विपक्ष का नेतृत्व करेगी। गौरतलब है कि फरवरी में नागालैंड चुनाव के वितक उन्होंने एक दीमापुर में रैली को संबोधित करते हुए दावा किया था कि 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन ही बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा। यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष को ऐसा भरोसा है कि आगामी चुनावों में विपक्ष एकजुट होकर भाजपा को जोरदार चुनौती देते हुए नजर आ सकता है। हालांकि कांग्रेस के सामने इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल राहुल गांधी को लेकर है। अगर राहुल गांधी को माफी नहीं मिलती है या फिर उनको मिली सजा रद्द नहीं होती है तो फिर उनका लोकसभा चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा, जो कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वैसे कहीं ना कहीं राहुल गांधी ही वह प्रकरण है जिसकी वजह से पूरा विपक्ष एकजुट नजर आया। ऐसे में देखना यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष विपक्ष को एकजुट करने में सफल हो पाते हैं या फिर कितना सफल हो पाते हैं। खैर, रिपोर्ट यहीं तक। रिपोर्ट के साथ फिर आपसे मुलाकात कीजिएगा।